हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और आज मैडम ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, तो इसलिए कुछ रीज़न है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं कि मैम कॉस्ट को कैसे पढ़ना है और क्या इसमें न्यूज़ है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको वो चीज़ हेल्प करने के लिए कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका UPSC सिलेबस है। आप सिलेबस को पहले देखेंगे, सबसे पहले कि आपका सिलेबस क्या है। हमने सिलेबस पर भी सेपरेट वीडियोज़ कवर किए हैं, अगर आप अपना टाइम सेव करना है तो आप स्ट्रेट अवे उनको देखें। आप जिस भी अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं ये नोटिफिकेशन से लिया हुआ है, कोई भी चेंजेस होगा विद द टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आपको सेटिस्फाइड होना है तो UPSC की वेबसाइट पे जाके स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशन को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है, देन देखना है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, केवल क्वेश्चन का पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कंसिडर कवर किया जा रहा है, तो क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना आपका कवर किया जा रहा है, सिलेबस कैसे कवर किया जाता है, कितना इनडेप्थ क्वेश्चंस आस्किंग है, कितना थ्योरी है, कितना न्यूमेरिकल है। एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाता है आपका क्वेश्चन के एनालिसिस से। तो इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम 5 से 10 साल तक का आप क्वेश्चन पेपर देख लें, उससे एक ब्रीफ आइडिया ले लें कि वो आपको कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, तो आपने पहले सिलेबस देखा, देन आपने प्रीवियस ईयर के 4-5, 5 से 10 साल के पेपर देख लिए। सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, पहले पेपर देखेंगे। ठीक है, पहले आपको रास्ता मैप बनाना है ना, रोड, फिर उसके बाद चलोगे और फिर खुद को चेक करोगे कि आप सही दिशा, आपने जो गेम किया वो कैसा है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग विद सॉल्यूशन वो एंड का पार्ट होता है। ठीक है, तो जस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। अब रीज़न क्या है ब्लैक एंड वाइट होने का, कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड इट्स डैमेज द इमेज ऑफ कॉमर्स ऑप्शनल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ कलरफुल एंड इट्स ऑन अस, हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हार्ड कर रहे हैं। अगर आप देखो ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉस्ट से, बहुत ही बेसिक थ्योरी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। तो अगर आपने बेसिक पे कमांड रखी है तो आपका क्लियर है। तो यस, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही इक्वली लाइकली इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो न्यूमेरिकल जो चैप्टर्स हैं या थ्योरी पेपर्स भी हैं, सब में आपको सबसे पहले थ्योरी को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, थ्योरी को क्लियर करना है और फिर कम से कम बेसिक न्यूमेरिकल, हर पैटर्न के बेसिक न्यूमेरिकल जरूर से करना है। चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो या आपकी डिफरेंशियल कॉस्टिंग हो या आपका मार्जिनल कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप हो, है ना, तो आपने हर तरीके के बेसिक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है और थ्योरी पे भी इक्वली आपको इम्पॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने अभी जब भी बेसिक कर लिया ना, तो आप जब फिर उसके बाद, मैंने कहा पहले पेपर देखना है, प्रीवियस ईयर सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, फिर प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी है एंड स्ट्रैटेजी अप करनी है, एंड देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ और सॉल्व करो प्रिपरेशन के बाद, तब आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर विथ सजेस्टेड आंसर, ताकि आप खुद को चेक कर सको कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में आंसर राइटिंग तो नहीं कर रहे हो। बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जितनी आपकी मेमोराइजेशन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, सेकेंडली आप अंडरस्टैंड करने के बाद मेमोराइज करेंगे, जो थ्योरी है उनको प्रिपेयर करेंगे, न्यूमेरिकल है तो प्रैक्टिस करेंगे, एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट्स के लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप ले लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट में, कॉस्ट के टर्म्स यूज़ करें और ले लैंग्वेज में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कॉस्ट के टर्म्स है, लाइक आपने मटेरियल टर्म्स में बोला, लेबर के लैंग्वेज में बोला, ओवरहेड यूज़ किया, ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट के लैंग्वेज में बोले, तो आपके टर्मोलॉजी जो है, डिक्शनरी जो है, वो कॉस्ट की हो जानी चाहिए। अदरवाइज यू कैन यूज़ द ले लैंग्वेजेस ऑल्सो इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अपने हर ऑप्शनल पेपर पे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, हर की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, उनका कंप्लीट कोर्स सिलेबस डिस्कशन सब कुछ कवर कराया है। और हम आपको कॉमर्स ऑप्शनल में कंप्लीट वीडियो क्लासेस, वीडियो सेशंस देते हैं,
पहले वी आर लिमिटेड टू द फिजिकल क्लासेस ओनली एंड नाउ वी स्विच टू द कम्प्लीटली ऑनलाइन टू रीच एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट. हमारी बुकलेट्स हैं एंड वी प्रोवाइड यू दैट ऑन द सॉफ्ट कॉपी. आपकी वीडियो क्लासेस हैं, सप्लीमेंट्री नोट्स हैं, मिनी टेस्ट है जो कि आपके चैप्टर्स के एंड में होंगे, है ना, एंड देन मेजर फुल लेंथ टेस्ट है. सो देर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस टू चेक यू एंड टू वॉक यू इन अ राइट डायरेक्शन. आपका समय बहुत कीमती है. ये जो आप प्लेटफॉर्म चूज किए ना यूपीएससी का, जो आईएएस बनना है, आईपीएस, आईआरएस, सबके अपने अपने कुछ सपने हैं, अकाउंटेंट्स बनना है किसी को, तो ये अगर चूज किए तो आप अपना जीवन का बहुत ही कीमती समय दे रहे हो. बहुत सारे तीज त्यौहार छोड़ते हो, बहुत सारे शादी फंक्शंस, फेस्टिवल, सारी चीज़ें छोड़ते हो, और आपके घर वाले भी, आपके जो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, आपके स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी जीत के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपकी जीत के लिए चुप बैठे हैं, आपकी जीत के लिए आपका साथ दे रहे हैं. उनको धोखा मत दें और खुद को भी धोखा मत दें. अपना समय जो दे रहे हो ना, उसका बेस्ट यूज करो. ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है ना, इसको कलरफुल आपको करना है, और जब कलरफुल हो जाए तो मुझे बता के जाना कि कितना सपोर्ट मिला. ठीक है, सो अगर आपको इस डिस्कशन से बेनिफिट मिला है तो प्लीज लेट अस नो. कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में, कोई आपकी स्ट्रैटेजी में कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे जाना है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और आपको कोई बात सेटिस्फाइड नहीं की या आपको कोई चीज़ लगा कि मैं गलत मेंटर कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप उसको भी बिल्कुल दिल खोल करके कमेंट सेक्शन में ही बोल के जाएँ, अपने साथ लेके नहीं जाएँ, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में वो प्रॉब्लम करेगा. ठीक है, कमेंट सेक्शन में नहीं, आई एम वेलकमिंग, आई एम इन्वाइटिंग, जो बोलना है बोलो. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बोल के जाओ और आई ट्राई टू सॉल्व. अगर आपने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया या मैंने एनालिसिस के बाद देख लिया कि वो जेन्यूनली आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मैं उसको सॉर्ट आउट कराऊंगा. देर इज नथिंग टू फियर. आपने जो जिद था नहीं है, बस उसको अचीव करो, सर्व द कंट्री. और ना खुद को धोखा दो, ना अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स को धोखा दो जो आपका साथ दे रहा है. हार्डवर्क करो ईच एंड एवरी सिंगल डे. ठीक है, सो अगर कोई और सपोर्ट की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में पूछें. एंड प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने आप को फिजिकली फिट रखें. फिजिकली फिट रहेंगे तभी पढ़ाई पे भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे. और आपको बता दूं, रैंकर्स को घंटों घंटों नहीं सुना करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि मैम उस पर सुनता हूँ तो समय बीतता चला जाता है, पता नहीं चलता. ये गलती मत करो. अगर रैंकर बनना है ना तो फेलियर से सीखो. ठीक है, देखिए सब कोई हाईलाइट पिक्चर दिखाता है, द बैक में क्या है, सबके फैमिली इश्यूज थिंग डिफरेंट है, सबका फैमिली स्टैंडर्ड अलग है, सबके हेल्थ क्राइटेरिया अलग है, सबको मेमोराइजेशन का टेक्निक अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, और बहुत कुछ अलग है. अपने डिसीजन मेकर खुद बनो, ना खुद को धोखा दो और ना ही अपने परिवार वालों को. अगर इस पे बैठे हो तो कंप्लीट प्रिपेयर करो और बिल्कुल 100% टाइम दो, केवल इसी पे फोकस रखो जब तक पा नहीं लेते. जिस दिन पा लिए सबको एंटरटेन कर लेना, तब सारे रैंकर्स को सुन लेना, सारे गाने सुन लेना, सारे मूवीज देख लेना. ठीक है, सो प्लीज़ टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और कोई भी बात हो तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करके जाएं. और अगर आपको यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, सो यू कैन रीच टू अस बाय टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में हम आपको शेयर कर देंगे. आप हमसे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और इवन कमेंट सेक्शन पे भी जुड़ सकते हैं. अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें. जय हिंद, जय भारत.